आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जो रेसिपी मुझे मेरी दादी ने सिखाई है, और दादी अक्सर ये बनाया करती थी जब भी आम का सीज़न आता था, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती थी और एकदम देसी तरीके से बनाते थे वो। तो सबसे पहले हमें उसके लिए चाहिए यहाँ पर कच्ची केरी, और वो मैंने 3 ले ली है। आप कोशिश करें कि ऐसी केरियाँ इस्तेमाल करें जो खट्टी ना हो, तो मैंने वो कैरी ली है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से बीच में से नहीं कट रही थी, तो ऊपर ऊपर से मैंने अच्छे से इस तरह से उसे कट कर लिया है। एंड फिर हमें इसको क्या करना है, मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा चला देना है। हमें एकदम बारीक गूंदा नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा सा बनाना है। और फिर हमें चाहिए कुछ मसाले। इसको आप मिक्सर जार में से बाहर निकाल के ऊपर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर वगैरह डालें, और भुना जो जीरा आता है या फिर सादा जीरा भी कूट कर आप डाल दीजिएगा इसमें, और गुड़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को बारीक क्रश कर लिया था, वो डाल दिया है। कम से कम 4 बड़े चम्मच गुड़ है इतनी केरी में। और मैंने यहाँ पे मिर्च वगैरह आप अपनी आवश्यकता अनुसार या जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप ऐड करिएगा, और सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। अब गुड़ के साथ हमें करीबन 1 बड़ा चम्मच भर के यहाँ पे शुगर का भी इस्तेमाल करना होगा। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये सब करने के बाद आपको इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, मतलब खाना बनाने से 1-2 घंटे पहले बना के रखें, और तब तक इसमें काफ़ी सारा पानी छूट जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे गेहूं की रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, और इसे सर्व करते हैं तो कुछ इस तरह से नज़र आता है। अगर आप मिक्सर ग्राइंड में इसे ग्राइंड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे कूट भी सकते हैं, उसमें और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी।